जय हिंद साथियों, विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। हाँ साथियों, बने न्यूज के साथ हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के साथ सत्ता में वापसी कर ली है और अब के बाद इस बात पर मंथन जारी है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। जी हाँ साथियों, जाने इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ साथियों, हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने 70 किलोमीटर लंबे रीजनल रैपिड ट्रांसिस्टम कॉरिडोर के निर्माण के लिए हरी झंडी दिखा दी है। इसमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री ने नए एयरपोर्ट खोलना भी प्रारंभ कर दी है। हाँ साथ ही हम बताते हैं, हालांकि अभी तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का चेहरा सामने नहीं आया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री बनने का मध्य प्रदेश में दावा जताया है। आखिर मध्य प्रदेश में क्या सिंधिया ही बनेगी मुख्यमंत्री, कमेंट उसमें लेकर नाम मत भूलिएगा। जैन साथ वीडियो चलिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। जैन जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।